अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बवाजिर। आज मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे से 5:30 के दरमियान में यहाँ पे एक ऑटो एक्सीडेंट हुआ। ऑटो एक्सीडेंट होने की वजह ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर को टकरा गया। हर हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट होता, हर एक्सीडेंट होता बार बार, क्योंकि ये डिवाइडर यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये सीआरपी वालों की तरफ से डिवाइडर डाल रहे हैं। मैं ट्रैफिक पुलिस पलकुमा से गुजारिश कर रहा हूँ, ये सिग्नल क्यों चालू नहीं कर रहे हैं आप? सिग्नल बताइए, सिग्नल क्यों चालू नहीं कर रहे हैं आप? सिग्नल यहाँ का भी, पोस्ट ऑफिस का भी, तो सिग्नल आप पोस्ट ऑफिस का भी चालू करना चाहिए, यहाँ का भी। ये डिवाइडर की तरफ से रात में नहीं दिखता, तो कई ऐसे एक्सीडेंट ना हुए अब तक, और इससे पहले भी कई बार बोले। तो मेरी अपील है ट्रैफिक पुलिस से कि ये काम कराना चाहिए, किसी की जान गई तक इंतज़ार नहीं करना। ये एक ऑटो एक्सीडेंट हुआ, ऑटो पूरा डैमेज हो गया और आदमी को मारा भी लगे। मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं देख कर रुका, क्योंकि मैं मॉर्निंग सुबह जा रहा था, देख के रुका। तो मेरी अपील है हर एक से, ऑटो चाहे गाड़ी रहो, देख के चलाइए, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं होता, रोड वालों का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ आपके घर वालों का, आपका नुकसान होता। तो मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक पलकमा सीआई साहब से मेरी अपील है कि सिग्नला चालू कराना। सिग्नला डाल के 2-3 महीने हो गए बाद भी आज तक भी चालू नहीं कर रहे, यहाँ का भी, पोस्ट ऑफिस का भी, तो दोनों जगह का चालू करना चाहिए। अगर चालू नहीं करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट होते, ये हटाना चाहिए। एक बार बता रहा हूँ मैं, ट्रैफिक डीसीपी साहब से भी कहना चाह रहा हूँ कि ये हटाना चाहिए। ये इसकी तरफ से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, दो चार डाल के छोड़ दिए ये। तो मेरी अपील है, मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस से कि ये काम कराना चाहिए। और मैं चंदनगुट्टा पुलिस को इंटीमेशन दिया तो पुलिस आ रही बोली, अभी पुलिस को मैं बता के यहाँ से चले जाऊँगा। शुक्रिया।